जय श्री राम। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वास्तु गुरु में। आज का एपिसोड अत्यंत रोचक एवं जानकारियों से भरा हुआ है। आज के एपिसोड में मैं रामचरितमानस के रोचक तथ्य बतलाने जा रहा हूँ। इस एपिसोड को अंत तक देखिए। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें एवं बेल आइकॉन जरूर दबाइए, जिससे आने वाले एपिसोड की पहली सूचना आपको मिल सके। यदि आप वास्तुशास्त्र से संबंधित किसी भी शंका का समाधान करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। भगवान राम का स्मरण करते हुए आइए जानते हैं श्री रामचरितमानस के रोचक तथ्य। श्री रामचरितमानस में राम शब्द 1443 बार आया है। जी हाँ, श्री रामचरितमानस में राम नाम का वर्णन 1443 बार आया हुआ है और श्री रामचरितमानस में माँ सीता शब्द 147 बार आया हुआ है। श्री रामचरितमानस में जानकी शब्द 69 बार, जी हाँ 69 बार आया है। श्री रामचरितमानस में वैदेही शब्द 51 बार आया हुआ है। मानस में बड़भागी शब्द 58 बार आया हुआ है एवं श्री रामचरितमानस में कोटि शब्द 125 बार आया है। श्री रामचरितमानस में एक बार शब्द 18 बार आया हुआ है और श्री रामचरितमानस में मंदिर शब्द 35 बार आया है। जी हाँ 35 बार आया हुआ है। मानस में मरम शब्द 40 बार आया है। जी हाँ, यह जानकारी आपको पहले से थी? यदि हाँ, आप भी कुछ विशेष जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। आइए अब आगे जानते हैं। लंका में राम जी 111 दिनों तक रहे, ये क्या यह बात आपको पता थी? जी हाँ, लंका में राम जी 111 दिन रहे। लंका में सीता जी 435 दिन रही थीं। मानस में श्लोक की संख्या 27 है। श्री रामचरितमानस में चौपाई की संख्या 4608 है। मानस में दोहा की संख्या 1074 है और मानस में सोरठा की संख्या 207 है। जी हाँ, श्री रामचरितमानस में छंद की संख्या 86 है। यह इतनी रोचक जानकारी है जो शायद आपने पहले न सुनी हो। आगे सुनिए। सुग्रीव में 10,000 हाथियों का बल था। माँ सीता 33 वर्ष की उम्र में रानी बनी थी। श्री रामचरितमानस की रचना के समय तुलसीदास जी की उम्र 77 वर्ष थी। जी हाँ, उनकी उम्र 77 वर्ष थी जब उन्होंने श्री रामचरितमानस की रचना की। पुष्पक विमान की चाल 400 मील प्रति घंटा थी। जी हाँ, राम रावण युद्ध 32 दिनों तक चला था। सेतु का निर्माण मात्र 5 दिन में हुआ था। जी हाँ, सेतु का निर्माण मात्र 5 दिन में हुआ था। नल नील के पिता का नाम विश्वकर्मा जी हैं। त्रिजटा के पिता विभीषण माने जाते हैं। विश्वामित्र राम को 10 दिनों के लिए ले गए थे। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में नई जानकारी के साथ। देखते रहिए आपका अपना चैनल वास्तु गुरु। जय श्री राम।